आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 2√2x आउटसाइड द ट्रायंगल बाय y इक्वल टू 2√2x, ठीक है, y इक्वल टू 0 एंड यहां पे क्या है हमारा x इक्वल टू 1। सो यहां पे अपन इसको डायग्राम से समझते हैं पहले। सो y स्क्वायर इक्वल टू 8x जो है वो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइटवर्ड ओपन होगा वो, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमें पता है। अब ये जो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ पैराबोला का अगर इक्वेशन लिखे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू स्क्वायर रूट 8x हो जाएगा, ठीक है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू हमारा 8x है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8x, और यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8x रूट में, ठीक है। सो ये आ जाता है, ये हमें पता होता है। अभी दूसरा हमें क्या बोला है, वाई इक्वल टू 2√2x, ठीक है। सो इसका अपन ग्राफ देख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2√2x जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा इसका लाइन का, ठीक है। सो ये लाइन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे अपन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये लाइन बन गया, ठीक है। अब ये हमारा इसको फर्दर अपन यहाँ पे करते हैं। सो ऐसा कुछ हमारा पैराबोला है। अब यहाँ पे अपन देखें, सो ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है कि y इक्वल टू 0 लाइन इट सेल्फ हमारा क्या होगा, x एक्सिस ही होगा, ठीक है, और ये y एक्सिस है। सो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 हमारा x एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू जो 1 होगा वो हमारा कौन सा लाइन होगा, इसको पता करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 1, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखें तो ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन हमारा क्या है, सो ये लाइन है y इक्वल टू 2√2x, यानी कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं। सो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला दोनों हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस समय x का कॉमन वैल्यू होगा। सो अगर x इक्वल टू यहाँ पे हमें 1 गिवन है, ठीक है, सो x इक्वल टू 1 के लिए अपन यहाँ पे पुट करें दोनों में, तो दोनों में हमारा क्या आएगा। सो x इक्वल टू 1 पे अपन देखें, एट x इक्वल टू 1 पे हमारा y जो हमारा 2√2x है ये हमारा बन जाएगा 2√2, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करने पे। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, √8, ओके। अब दूसरा हमारा क्या था, सो x इक्वल टू 1 पे सेकेंड वैल्यू अपन चेक कर रहे हैं, सेकेंड कर्व था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8x, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8 इंटू 1, यानी कि स्क्वायर रूट 8। सो 1 पे हमारा सिमिलर वैल्यू, सेम वैल्यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 से ही पास कर रहा होगा ये जो हमारा लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे लाइन पास कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 0 ओरिजिन होता है ये, और ये 1,0 है बेसिकली, ठीक है। सो ये 1,0, तो हमें बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो हमारा एरिया बाउंड हो रहा है इन दोनों कर्व के बीच, ठीक है, लेकिन कौन से हमारा, देखो दो एरिया हमारा यहाँ पे बाउंड हो रहा है, एक तो अपसाइड, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके बारे में कमेंट किया गया है कि आउटसाइड द ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल जो फॉर्म करेगा ये तीन लाइन से मिलके, यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल जो हमारा फॉर्म कर रहा है इसके आउटसाइड, तो इसके आउटसाइड जो हमारा यहाँ पे एरिया बाउंड हो रहा है वो हमारा सिर्फ ये एरिया है, ठीक है। सो इस एरिया का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए अपन करें, यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रल 0 से 1 जाएंगे अपन, उस समय हमारा अपर ग्राफ कौन सा है, सो अपर पार्ट का ग्राफ है स्क्वायर रूट 8x का, ठीक है, माइनस कर देंगे लोअर पार्ट का ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स x का, ठीक है। सो यही हमारा आंसर होगा। सो इसको अपन कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8, और स्क्वायर रूट x का इंटीग्रल क्या होता है, सो x के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है, माइनस 2√2, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो ये 0 से 1 तक जाएगा, 1 पुट करेंगे अपर लिमिट पहले, सो अपर लिमिट इसमें पुट करो तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे इंटू में 1 डिवाइड बाय, ये बन जाएगा 3/2, ओके, माइनस 2√2, और ये बन गया 1/2, 0 पुट करने पे 0 ही आएगा। सो यहाँ पे ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अपन देखें तो ये बन गया रूट 8 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 2, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। सो इसको अपन देखें तो 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 2√8 माइनस 3√2, ठीक है। अब इसको फर्दर और क्या लिख सकते हैं, सो 2 इंटू 2√2 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3,
सो ये बन गया हमारा यहाँ पे 3√2, ये तो पहले से था, सो ये 6 − 3 यानी कि क्या बन गया 3, ठीक है 3√2/3 बन गया, सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ √2। अच्छा सॉरी, हमने एक मिस्टेक किया है, 4 − 3 तो 1 होगा ना, तो ये √2/3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, √2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, √2/3 यानी कि ऑप्शन 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।